अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिकी टेबलेट के बारे में। ब्रिकी टेबलेट को हमस ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मैदे के अल्सर ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन ज़्यादातर ये हमल को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती है। इस वीडियो में हम सब बताएंगे ब्रिकी टेबलेट को किस तरह यूज़ किया जाता है, मतलब अगर आपने 3 हफ्ते के हमल को ज़ाया करना है तो कितनी टेबलेट लेनी होगी और कैसे लेनी होगी। अगर 4 हफ़्ते या 5 हफ़्ते या 6 हफ़्ते मतलब या इससे ज़्यादा के हमल को ज़ाया करना हो तो ब्रिकी टेबलेट का इस्तेमाल किस तरह करें, यह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखते रहना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। लेकिन सबसे पहले मैदे के अल्सर ख़त्म करने पर बात करेंगे कि ब्रिकी टेबलेट से हम मैदे का अल्सर किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। बाद में असकात हमल पर बात करेंगे कि हमल ज़ाया करने में ये टेबलेट किस तरह काम करती है। आज मैं बताऊंगा कि ब्रिकी टेबलेट को किन किन कंडीशन में यूज़ किया जाता है। ब्रिकी टेबलेट मैदे के अल्सर ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है, एबॉर्शन यानी असकात हमल के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेबर पेन को कम करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। मुख्तलिफ दर्दकुश अद्वियात जैसे नेप्रोक्सन हो गया, आइबुप्रोफन हो गया को इस्तेमाल करने से स्टमक में अल्सर पैदा होने का ख़तरा होता है या कुछ लोगों में पहले ही से स्टमक अल्सर होता है, तो इन लोगों में मैदे के अल्सर ख़त्म करने के लिए डॉक्टर मिसोप्रोस्टोल एडवाइस करते हैं ताकि उनको अल्सर से बचाया जा सके। ब्रिकी टेबलेट के इस्तेमाल से स्टमक में एसिड बनने का प्रोसेस लो हो जाता है और लो एसिड बनने की वजह से मैदे के अल्सर से बचा जा सकता है। अगर आपने मैदे का अल्सर ख़त्म करना है तो ब्रिकी टेबलेट का इस्तेमाल किस तरह करें। ब्रिकी टेबलेट को दिन में 4 दफ़ा बाई मौत लेना है या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। ब्रिकी टेबलेट असकात हमल यानी हमल को ख़त्म करने के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है। ब्रिकी टेबलेट का इस्तेमाल प्रेगनेंसी यानी हमल के 12 हफ्तों तक कार आमद रहता है, यानी ब्रिकी टेबलेट से आप 2 महीने के हमल को ख़त्म कर सकते हैं। जो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं अगर वो अपना हमल ज़ाया करना चाहती है तो ब्रिकी टेबलेट से 2 मंथ का हमल ज़ाया हो सकता है। एबॉर्शन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये टेबलेट ब्लीडिंग स्टार्ट करती है 2 से 4 घंटे के अंदर। अब इसके तरीके इस्तेमाल पर बात करते हैं जो कि इसका सही तरीका इस्तेमाल है। अगर हमल ज़ाया करना हो तो ब्रिकी टेबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। ब्रिकी टेबलेट को आपने दिन में 3 दफ़ा बाई माउथ लेना है और साथ में 3 टेबलेट वेजाइना में रखनी है, मतलब 2 टेबलेट सुबह, 2 टेबलेट दोपहर और 2 टेबलेट शाम को, और 3 टेबलेट छोटी पेशाब वाली जगह में रखना है। 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 टेबलेट शाम को, ये हो गए टोटल 6 टेबलेट, और 3 टेबलेट जो वेजाइना में इंसर्ट करना है ये हो गए टोटल 9 टेबलेट, मतलब टोटल 9 टेबलेट का इस्तेमाल आपने करना है। अगर इन 9 टेबलेट के इस्तेमाल से कुछ नहीं हुआ तो आप अगले दिन भी आप ये टेबलेट दोहरा सकते हैं। इस टेबलेट के इस्तेमाल से आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। 1 से 4 घंटे के दरमियान आपको ब्लीडिंग हो सकती है और एबॉर्शन हो सकता है। ये टेबलेट एबॉर्शन ज़ाया करने के लिए बहुत ही मुफीद टेबलेट है और जो लोग हमल को ज़ाया नहीं करना चाहते वो इस टेबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इस टेबलेट को किसी मुस्तनद डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे टेबलेट इस्तेमाल करते हुए आपका टेम्परेचर हाई हो सकता है, आपको बुखार आ सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, चक्कर आ सकता है, उल्टी आ सकती है। इसके अलावा आपको पेट में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकती है और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। दोस्तों अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।